माँ का दूध पिलाने की अफादियत से मुतालिक आगाही का आलमी हफ्ता हर साल मनाया जाता है। इस सिलसिले में महकमा सेहत खैबर पख्तूनख्वा के खसूसी सेल बराए न्यूट्रिशन और यूनिसेफ के तआवुन से सूबे के तमाम अजला में आगाही मुहिम की गई। इस सिलसिले में पिशावर के मकामी होटल में तकरीब मुनक्किद हुई, जिसके मेहमान खसूसी डायरेक्टर जनरल हेल्थ खैबर पख्तूनख्वा डॉक्टर शौकत अली थे, जिन्होंने माँ की दूध की अफादियत से मुतालिक शुरका को आगाह किया। एक सर्वे के मुताबिक 45% बच्चों को पैदाइश के एक घंटे के अंदर अंदर माएँ दूध पिलाना शुरू कर देती हैं, जो कि एक लम्हे फिक्रिया है। शुरका ने कहा कि अगर सूबे में बच्चों को माँ का दूध पिलाने का रुझान बढ़ गया तो उससे हर साल 20,000 से ज़ायद माओं की ज़िंदगी बचाई जा सकती है। इस मौके पर माहरीन का कहना है, होता ये है कि एक तो फॉर्मूला मिल्क जो है वो बहुत ज़्यादा महंगा है। शुरू शुरू में जो वालिदैन है वो शौक से शुरू कर लेते हैं, फिर वो उसको सस्टेन नहीं रख सकते, उसको जारी नहीं रख सकते, ठीक है। उसके साथ साथ ये तो वो फिर जो मकदार है उसकी कम कर देते हैं, बच्चे को कभी बॉटल में चाय बना के देते हैं, कभी कावा बना के देते हैं, और उसकी वजह से जो बच्चे का पेट है वो मुसलसल ख़राब रहता है। जब आप बॉटल फीडिंग करते हैं तो उसमें बच्चे को बहुत ज़्यादा इसहाल या डायरिया की शिकायत होती है, बच्चे को बहुत ज़्यादा जो चेस्ट इन्फेक्शन होते हैं वो होते हैं, बच्चे को एयर इन्फेक्शन होते हैं, बच्चे के कान ख़राब होते हैं, बच्चे में बीमारियों के खिलाफ कुव्वत मुदाफ़ियत जो है वो नहीं होती, तो बच्चे फिर बहुत ज़्यादा बीमार रहते हैं, हॉस्पिटल्स में जाते हैं, उन पर ऊपर जो फैमिली का ख़र्चा है वो बहुत ज़्यादा आता है, और आखिर में बच्चा जो है वो एक ग़ज़ाई तौर पर एक कमज़ोरी का शिकार हो जाता है। उसका कद भी कम रह जाता है, उसका वज़न भी कम रह जाता है, उसकी सीखने की सलाहियत, स्कूल में पढ़ने की सलाहियत जो है वो भी उस तरह से नहीं रहती, और अगर वही बच्चा कल को बड़ा होता है तो उसकी काम करने की सलाहियत भी उस तरह से नहीं रहती, तो उसकी एक लाइफ लॉन्ग एडवर्स इफ़ेक्ट्स है पूरी ज़िंदगी में। ऐसे बच्चे जो होते हैं उनकी जो नशोनुमा होती है वो पूरी नहीं हो सकती, उनकी जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होती है वो अपने माइलस्टोन्स जो जैसा कि नॉर्मल बच्चा ग्रो करता है उसी तरह इन बच्चों में ग़िज़ाई कमी की वजह से ऐसी बीमारियां उनमें आ जाती हैं जो कि जो होते हैं लाइलाज जो होते हैं वो लाइलाज हो सकता है, और अगर इन कमियों को जो है पूरा ना किया जाए तो इसकी वजह से इनकी अमवात भी जो है हो सकती है।